नमस्कार, स्वागत है आपका क्राइम रिपोर्टर में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। पहले प्यार और फिर घर से भागकर शादी, लेकिन उसके बाद दहेज के दानव ने ऐसा डंक मारा कि मोहब्बत का घरौंदा उजड़ गया। पति दूसरी बार साथ फेरे लेने की फिराक में था, लेकिन सीधे सलाखों के पीछे पहुंच गया। सुपौल से यह सनसनीखेज रिपोर्ट देखिए। फिर दहेज के लिए प्रताड़ना, उसके बाद दूसरी शादी की तैयारी, मंडप से पकड़ा गया आरोपी। मामला है सुपौल जिले का। थाने में खड़े इस युवक पर पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी करने का आरोप है। पहली पत्नी की शिकायत पर आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शादी मुझसे नहीं की है, वो दूसरा लड़का के साथ भागा है। तुम्हारी पहली पत्नी केस किया आकर के, तुम रात में दूसरी शादी किया? हम शादी नहीं किए नीनू पर, हम शादी किए हैं। शादी नहीं किए हो? नहीं, जबरदस्ती फंसा। दरअसल इस कहानी में कई पेच हैं। चंदन की पहली पत्नी नीरो कुमारी के मुताबिक वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। तकरीबन 9 महीने पहले दोनों ने घर से भागकर एक मंदिर में शादी की। फिर काफी मान मनोवल के बाद आखिरकार दोनों के परिवारों ने इस शादी को स्वीकार कर लिया। इसके बाद नीरो चंदन के घर आकर रहने लगी। कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन बीते 1 महीने से चंदन और बाकी ससुराल वालों ने दहेज के लिए दबाव बनाना शुरू किया। ससुराल वालों ने मायके से 2 लाख रुपए न लाने पर घर में उसे रखने से इनकार कर दिया। नीरो ने इनकार किया तो ससुराल वालों ने मारपीट कर घर से भगा दिया। उसके बाद नीरो ने महिला थाने में शिकायत की और पुलिस ने मध्यस्थता करके सुलह करवा दी। नीरो को चंदन के साथ ससुराल भिजवा दिया गया। करीब 1 सप्ताह सब कुछ ठीक रहा, लेकिन इसी बीच ससुराल वालों ने चंदन की शादी सोमवार की देर रात मधेपुरा के मुरलीगंज निवासी लड़की से करा दी। इस बात की जानकारी होने पर नीरो ने महिला थाने में शिकायत की, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने चंदन को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि आरोपी चंदन सभी आरोपों से इनकार कर रहा है, साथ ही अपनी पत्नी नीरो को ही झूठा करार दे रहा है। 171-17 कांड दर्ज हुआ था इसी महीने में। अभी आज पता चला कि लड़का जो है वो दूसरा शादी कर लिया है और उसको लेके घर पे था। उसी दौरान जो है उसका छापामारी करके गिरफ्तारी किया गया है। अब क्या कार्रवाई हो रही है उसको? अभी तो न्यायिक अभिरक्षा में भेजने की प्रक्रिया चल रही है। चंदन भले ही सभी आरोपों से इनकार कर रहा हो, लेकिन पुलिस का दावा है कि आरोपी चंदन कुमार को मधेपुरा के मुरलीगंज से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने महिला थाने में कांड संख्या 171/17 के आरोप में चंदन को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। मोहन प्रकाश, जी मीडिया, सुपौल। बिहार में शराबबंदी का कड़ा कानून लागू हुए 1.5 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन शराब की तस्करी अब भी जारी है। शराब माफिया इतने बेखौफ हो गए हैं कि पुलिस पर फायरिंग करने से भी बाज नहीं आ रहे। समस्तीपुर में शराब तस्करों के साथ मुठभेड़ में बीएमपी के एक हवलदार शहीद हो गए। पुलिस और शराब तस्करों के बीच मुठभेड़, बीएमपी का हवलदार शहीद, सवालों के घेरे में शराबबंदी। समस्तीपुर में पुलिस और शराब माफियाओं के बीच मुठभेड़ हुई। सोमवार की रात शराब तस्करी की सूचना के बाद पुलिस छापामारी करने गई थी। पुलिस के पहुंचते ही तस्करों ने गोलीबारी शुरू कर दी। दोनों ओर से करीब 50 राउंड से ज्यादा फायरिंग हुई। इस दौरान बीएमपी के हवलदार अनिल कुमार को गोली लग गई। अपराधियों ने पुलिस पर ऑटोमेटिक हथियार से फायरिंग की। शराब तस्करों के साथ हुई मुठभेड़ में सराय रंजन थाना के प्रभारी मनोज कुमार भी जख्मी हुए हैं। बीएमपी के एक जवान श्री अनिल कुमार सिंह, उनको गोली लग गई और जिस वजह से उनकी मृत्यु हो गई। हॉस्पिटल में उनको जो है ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया गया। एसएचओ सराय रंजन को इसमें चोट आई और
अभी वो भी इलाजरत हैं, खतरे से बाहर हैं। समस्तीपुर शराब तस्करों के हमले में शहीद बीएमपी के हवलदार अनिल कुमार जहानाबाद जिले के रहने वाले थे। उनकी शहादत की खबर के बाद समस्तीपुर से लेकर जहानाबाद तक शोक की लहर है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। कब मिली आप लोग को? 12 बजे के लगभग। क्या जानकारी दी गई? फोन पर दिया गया कि वो गोली लग गया है, तो वही हम लोग वहाँ से घर से चले, तब जाके समस्तीपुर के लिए चले वहाँ से। तो जो मृतक हवलदार हैं, उनके परिवार में कौन कौन लोग? 2 बच्चा और 2 बच्ची। समस्तीपुर में शराब तस्करों के साथ मुठभेड़ में जवान की शहादत के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या बिहार में सिर्फ नाम की है शराबबंदी? कड़े कानून का अपराधियों में खौफ नहीं। शराब तस्करों के नेक्सस को नहीं तोड़ पाई पुलिस। क्या अपराधियों को पुलिस का खौफ नहीं है? बिहार में पटरी से उतर गया है लॉ एंड ऑर्डर। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब शराब तस्कर नहीं पकड़े जा रहे हैं। कोई ऐसा दिन नहीं जब शराब की खेप नहीं पकड़ी जा रही है। करी बदस्तूर जारी है। अब तो तस्कर पुलिस को भी निशाना बनाने लगे हैं। संजीव नैपुरी, जी मीडिया, समस्तीपुर। कहते हैं विश्वास पर दुनिया टिकी है, लेकिन कभी कभी यही विश्वास भारी पड़ जाता है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जगदीशपुर की रहने वाली एक महिला के साथ। पूरा मामला इस रिपोर्ट में देखिए। खुदरा देने के चक्कर में खुद लुटी महिला, विश्वास ने लुटवाई गाढ़ी कमाई, लगी 40,000 की चपत। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। बैंक से पैसे निकालते समय रहिए सावधान। अगर आप भी बैंक से पैसे निकालने जा रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये खबर आपके लिए। बैंक से पैसे निकालने के बाद अमूमन हम नोटों की गिनती करते हैं, लेकिन इस दौरान किसी की भी नजर आप पर हो सकती है। कोई भी आपकी गाढ़ी कमाई पर नजरें लगाए बैठा हो सकता है, जो कभी भी आपको ठगी का शिकार बना सकता है। ऐसा ही मामला सामने आया है आरा के जगदीशपुर के कोतवाली स्थित पंजाब नेशनल बैंक, जहां सुबह 11:05 पर फूलमती नाम की एक महिला पैसे निकालने गई, जहां उसने अपने अकाउंट से 40,000 रुपए निकाले और इत्मीनान से बैठकर नोटों की गिनती करने लगी। लेकिन इस दौरान कुछ उचक्कों की नजर उस पर, पूरी प्लानिंग के साथ दोनों महिला के पास पहुंचे और खुदरा लेकर 2,000 रुपए देने की बात कहने लगे। महिला ने उन पर विश्वास करके नोटों की पूरी गड्डी उनके हाथों में थमा ली और थोड़ी देर बाद दोनों ठगों ने महिला से रुपए में स्याही लगे होने की बात कहकर नोट बदलने को भेज दिया। उसके बाद जो हुआ सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। नोट बदलकर महिला जब वापस आई तो दोनों ठग वहां से फरार हो चुके थे। महिला ने उन्हें काफी ढूंढा, लेकिन उनका कुछ पता नहीं लगने पर बैंक कर्मियों ने पुलिस को सूचना दी। हमारे यहाँ जो है वो पैसा अगर औरत निकाल लिया, किसी ने उसको गिनने के नाम पे औरत गिनवा रही थी, उसी दरमियान जो है वो अपना युवक चला गया, प्रशासन आया था, छानबीन चल रही है उसकी। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज खंगाले और मामले पर कार्रवाई शुरू कर दी। मनीष कुमार, जी मीडिया, आरा। और बात छत्तीसगढ़ के उस शातिर गिरोह की जो कैश कंपनी पर सेंध लगाता है। ऐसा गिरोह जो रात के अंधेरे में निकलता है और सुबह होने से पहले लाखों का माल लेकर गायब हो जाता है। छत्तीसगढ़ में हुई 63 लाख रुपए की लूट एक सवाल बनी हुई है। लूट ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। लोग दहशत में हैं। हम कुछ भी बताएं उससे पहले जरा सीसीटीवी फुटेज देख लीजिए। सीसीटीवी फुटेज रात की करीब 10:30 बजे का है, जब हथियार बंद बदमाशों ने कैश कलेक्शन कंपनी के दफ्तर पर धावा बोला
पांच की संख्या में घुसे बदमाशों ने दफ्तर पर बैठे गार्डों पर बंदूक तान दी और अलमारी में रखे 63 लाख रुपए पार कर दिए। पांच लोग आए थे वो लोग और पिस्टल रखे थे जी। तो पहले आए तो मतलब पीछे में रखे थे पिस्टल को, उसके बाद गन मेरा 12 बोर तरफ ध्यान दिए वो लोग, उसमें मतलब जो थाना लड़का उसको मारपीट की है और चाबी वाबी मांग रहे थे, चाबी मांग के लोग लेते गए। वारदात के बाद से आरोपी फरार हैं और पुलिस सीसीटीवी के आधार पर मामले की तफ्तीश कर रही है। वहीं वारदात ने कई सवालों को भी जन्म दिया है, सवाल जो आपको भी हैरान कर देंगे। पहला सवाल, किसी भी कैश कंपनी में कस्टोडियन और डिफेंडर दोनों के पास अलग अलग चाबी होती है और जब तक दोनों चाबी ना लगाई जाए लॉकर नहीं खुलता, लेकिन वारदात के दौरान एक ही कर्मचारी के पास दोनों चाबियां थीं। दूसरा सवाल, सूत्रों के मुताबिक पिछले दिनों कंपनी ने 20 कर्मचारी निकाले हैं और 20 नए भर्ती किए हैं, लेकिन इस बात की जानकारी पुलिस को क्यों नहीं दी गई? तीसरा सवाल, शासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि शराब दुकान इकट्ठा की गई राशि बैंक में जमा नहीं होने की स्थिति में उसे थाने में जमा करनी होगी, लेकिन कैश कंपनी ने इस गाइडलाइन का पालन नहीं किया। कंपनी की लापरवाही से साफ तौर पर जाहिर है कि बड़ी लूट की वारदात को न्योता दिया गया है। फिलहाल पुलिस के अधिकारी कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। जी मीडिया के लिए जांजगीर से प्रकाश शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पश्चिम सिंहभूम में डायन बिसाही के शक में सौतेले भाइयों ने अपने भैया और भाभी की हत्या कर दी। मामला गुआ थाना क्षेत्र के ठाकुर बस्ती का है, जहां सौतेले भाई शारदा चंपिया और प्रधान चंपिया अपने भाई सुखराम चंपिया के घर जबरन घुस गए। दोनों ने सुखराम और उसकी पत्नी पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया, जिससे दोनों की मौके पर मौत हो गई। आरोपी शारदा चंपिया का बेटा लंबे समय से बीमार था और उसे शक था कि उसका सौतेला भाई और भाभी डायन बिसाही के उसके बेटे को मारना चाहते हैं। इसी शक में उसने अपने सौतेले भाई और भाभी की जान ले ली। पुलिस ने हत्या के दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आज जब उसको पता मिला सुबह पुलिस को, लाश आज मिला? हाँ आज मिला। को कहाँ पर मारा इसको? घर में मारा। घर में मारा, छोड़ दिया घर में मार के इसको, कल रात को छिपा दिया था घर के अंदर ही, नहीं जंगल तरफ लेके गया था दोनों को। हाँ अच्छा, वो अकेले हम भी नहीं मालूम। गुमला के घाघरा थाना क्षेत्र में दुष्कर्म की कोशिश में नाकाम होने पर अपराधी ने 15 साल की छात्रा की हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। इस दौरान मौजूद ग्रामीण तमाशबीन बने रहे। मृतक छात्रा अपनी बहन के साथ धान काटने जा रही थी, इसी दौरान गांव के शंकर उराव नाम के युवक ने छेड़छाड़ शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी है। वो ग्राहक बनकर आती है और फिर अपनी लच्छेदार बातों से दुकानदार को अपना गुलाम बना लेती है। बातों ही बातों में लाखों का माल लेकर रफू चक्कर हो जाती है। यह कहानी है झाबुआ की, जहां महिलाओं के हाथ की सफाई देखकर आप दंग रह जाएंगे। झाबुआ कोतवाली थाना क्षेत्र के सुभाष मार्ग स्थित एक ज्वेलर्स शॉप में दिन दहाड़े चांदी के जेवरात चोरी हो गए। और जब दुकान के मालिक को इस बात की खबर लगी तो वो सन्न रह गया, लेकिन तीसरी आंख से कुछ नहीं छिप सकता। सीसीटीवी कैमरे में सारी वारदात कैद हो गई। हम आपको कुछ भी बताएं उससे पहले जरा सीसीटीवी फुटेज पर नजर डाल लीजिए। सीसीटीवी में खाते पीते घर की दिख रही ये महिला शातिर चोरनी है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे इस महिला ने साथी के साथ मिलकर चांदी के जेवर से भरा डिब्बा पार कर दिया। घटना की जानकारी के बाद पुलिस ने शातिर बदमाशों पर मामला दर्ज कर लिया है।
और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। ज्वेलरी शॉप पर हुई वारदात एक सबक है, सबक सावधानी का, सबक सचेत रहने का, क्योंकि चोर की कोई शक्ल नहीं होती। जी मीडिया के लिए झाबुआ से सचिन जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। महंगे शौक और लग्जरी लाइफस्टाइल की चाहत में एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट गुनाह के दलदल में कुछ इस कदर डूबा कि सीधा जेल पहुंच गया। क्या है पूरा मामला, ग्वालियर से आई इस रिपोर्ट में देखिए। ग्वालियर में माधोगंज थाने में सिर झुकाए खड़ा ये बदमाश इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। शातिर बदमाश को पुलिस ने चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया है। चोरी करने की वजह बेहद चौंकाने वाली है, आप सुनकर बेहद हैरान होंगे। आरोपी के मुताबिक उसके महंगे शौक को उसके पिता पूरा नहीं कर पा रहे थे, इसलिए वो चोर बन गया। ये लड़का जो हनुमंत थे, ये बड़ी तेजी के साथ हम लोगों को देखते हुए एकदम भागने का प्रयास किया, तेजी से निकलने का प्रयास किया। तो हमारे नगर रक्षा समिति के जो संयोजक हैं संतोष राठौर जी और नागरिक फोर्स, इन लोगों की मदद से हमने एकदम उसको घेराबंदी करके पकड़ा। और अभी हाल में ये हमारे यहाँ सेला की गोट में करतार होटल के पास में रहता है, इसे पता बताया। कागज वगैरह चेक करे गाड़ी के तो गाड़ी पे नंबर प्लेट नहीं थी। हमने पूछा भाई क्या कारण है, बोला नंबर प्लेट हमारी आरटीओ बनने डली है। मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब गश्त के दौरान पुलिस ने आरोपी को घरों के चक्कर काटते हुए देखा। आरोपी की बाइक पर नंबर प्लेट नहीं थी। पुलिस को देखकर शातिर ने भागने की भी कोशिश की, लेकिन वो पकड़ा गया। और जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपनी नियत का खुलासा किया। जब इसने अपने बैग को नीचे रखा तो उसमें से आवाज आई, विशेष हम लोगों ने देखा बैग खोल के, तो उसके अंदर ये आला जरूरत जैसे आपके नकब जन के ये हमें संबल और ये मिले। जब मिले तो हमें थोड़ा शक हुआ, उसमें जब अपने हाथ डाल के देखा बैग के अंदर दो ताले और टूटे हुए मिले। ये शक पुख्ता हो गया कि आदमी पढ़ाई के साथ साथ ही काम करता है, तो उसको थाने लेकर आए। पुलिस ने आरोपी के पास से करीब 3 लाख रुपए के जेवरात जब्त किए हैं। ये शख्स आया तो था इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने, लेकिन उसने शुरू कर दिया गुनाह का काखा गाखा पढ़ना। शहर की चकाचौंध, महंगे महंगे सामानों का लालच और हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल के फेर में ये शख्स ऐसा फंसा कि फंसता ही गया, और अंजाम ये कि ये छात्र बन गया अपराधी। ग्वालियर से जी मीडिया के लिए विनोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। राजधानी रांची में आत्महत्या की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, और खास तौर पर प्यार में पड़कर और ठोकर खाकर युवा अपनी जान दे रहे हैं, ये बेहद चिंता की बात है। मंगलवार को भी रांची में 2 युवकों ने सुसाइड कर शहर को सकते में डाल दिया, ये रिपोर्ट देखिए। क्यों डिप्रेशन में है रांची के युवा? मौत को क्यों गले लगा रहे युवा? क्यों दे रहे इश्क के नाम पर जान? लालपुर में खुदकुशी के इतने मामले क्यों? झारखंड की राजधानी रांची में सुसाइड की खबरें अब आम हो गई हैं, जो वाकई गहरी चिंता की बात है। राजधानी का लालपुर इलाका तो मानो सुसाइडल स्पॉट बनकर रह गया है, और इनमें से ज्यादातर प्रेम प्रसंग के मामले होते हैं। मंगलवार को भी प्यार के चक्कर में प्रभात नाम के एक युवक ने मौत को गले लगा लिया। यार लॉज में रहते नाम की लड़की हमको एक दिन फोन की, नहीं पर याद नहीं, बोली कि आजकल हमसे बात नहीं करता, बोलता सुसाइड कर लेंगे, मेरा जिंदगी में कुछ नहीं है। नहीं बता उसके बाद हमको। आत्महत्या की कुछ हाल की घटनाओं पर एक नजर डालते हैं। 6 नवंबर कोकर में स्वाति नाम की लड़की ने प्रेम प्रसंग में इंजेक्शन लगाकर जान दे दी। 6 नवंबर लोअर बाजार में मेघा प्रजापति ने हॉस्टल की बिल्डिंग से लटककर खुदकुशी कर ली। 13 नवंबर
लालपुर में चतरा की रहने वाली छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। 24 नवंबर लालपुर में एक युवती ने जान दे दी। 28 नवंबर लालपुर में प्रभात सुरीन नाम के युवक ने प्रेम प्रसंग में जान दी। 28 नवंबर सुखदेव नगर में एक युवक ने आत्महत्या की। दरअसल रांची के लालपुर में स्टूडेंट्स बड़ी तादाद में रहते हैं, शायद ये एक बड़ी वजह है कि सुसाइड के केस यहां से ज्यादा सामने आ रहे हैं। हम लोग का जो अभियान है, हर हॉस्टल में हम लोग मोटिवेशनल जो है वर्कशॉप करेंगे और बच्चों के बीच जाएंगे, उनका क्या प्रॉब्लम है और कैसे उनको मोटिवेट किया जाए, क्योंकि करियर सिर्फ जो है डॉक्टर इंजीनियर बनना ही सिर्फ करियर नहीं है। अगर मान लीजिए कि उसमें आप असफल रहते हैं तो जिंदगी में और भी बहुत सारे करियर के क्षेत्र हैं जिसमें आप करियर बना सकते हैं, और कोई 2-3 साल का जो है फेल्यूअर से ही जो है आपका जिंदगी का जो है पैमाना तय नहीं होता है। तकनीक की दुनिया में जी रहा आज का युवा खुद को परिवार से बिल्कुल दूर कर लेता है। ये एक बड़ी वजह होती है डिप्रेशन की, क्योंकि तनाव के दिनों में किसी टेक्नोलॉजी की नहीं बल्कि अपनों की जरूरत होती है। याद रखें, आत्महत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। सनी शारद, जी मीडिया, रांची। दरभंगा में दर्जनों वारदातों को अंजाम देने वाले हीरा साहनी को पुलिस ने 6 साथियों के साथ गिरफ्तार कर बाइकर्स गैंग का खुलासा किया है। इसके साथ ही शहर में चर्चा का विषय बन चुकी पीली बाइक भी जब्त कर ली गई है। आपको बता दें कि कुछ दिनों से शहर में लगातार पीली बाइक सवार अपराधी लूट को अंजाम दे रहे थे। इसके चलते शहर में लोगों के बीच पीली बाइक को लेकर खौफ का माहौल हो गया था। इन अपराधियों के निशाने पर व्यवसायी से लेकर कोचिंग में पढ़ने वाले छात्र होते थे। बताया यह भी जा रहा है कि गैंग के मुख्य आरोपी हीरा साहनी पर लूट के दर्जनों केस के साथ साथ एटीएम ठगी का मामला भी दर्ज है। पुलिस ने गिरफ्तार अपराधियों के पास से एक तमंचा, एक चाकू, 6 मोबाइल फोन, नशे की दवा, लूटी गई स्कूटी और 2 बाइक बरामद की हैं। पिछले दिनों शहर में चाकूबाजी की घटना हुई थी और एक व्यवसायी के चाकू मारकर स्कूटी लूट ली गई थी। उसी के अनुसंधान के क्रम में कुल अभी तक उस गिरोह के 7 सदस्य गिरफ्तार हुए हैं, जिससे हथियार, चाकू इत्यादि बरामद हुए हैं। इसमें से कई का काफी आपराधिक इतिहास रहा है। इसमें वो अपाची बरामद हो गई है, पीली अपाची का जो जिक्र हो रहा था वही अपराधी गिरफ्तार हुआ है और उसके गिरोह के अन्य सदस्य पकड़े गए हैं। पहले भी आर्म्स एक्ट और लूट के कांड में जेल जा चुका है। गोपालगंज में पारिवारिक कलह से परेशान होकर 20 साल के युवक ने 4 मंजिला छत से कूदकर खुदकुशी कर ली। वहीं घटना के बाद सदर अस्पताल के मेन गेट के सामने अफरा तफरी का माहौल रहा। घटना नगर थाना क्षेत्र के अस्पताल चौक के पास की है। बताया जा रहा है कि खुदकुशी करने वाला युवक संदीप दुबे सदर अस्पताल के मेन गेट के सामने मौजूद एक निजी नर्सिंग होम में काम करता था, जिसकी 4थी मंजिल से उसने छलांग लगा दी। इसके बाद युवक को गंभीर हालत में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे गोरखपुर रेफर किया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि संदीप की कुछ दिनों से मानसिक हालत ठीक नहीं थी। कल युवक ने सिर में दर्द की शिकायत की थी और दवा खाने के कुछ देर बाद अचानक उसने नर्सिंग होम की छत से छलांग लगा दी। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। और क्राइम रिपोर्टर में आज बस इतना ही। बने रहिए जी बिहार झारखंड के साथ।